उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सत्ता के लिए जोर आजमाइश जारी है। जहां बहुजन समाज पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर आगे जाने की कोशिश कर रही है, वहीं बहुजन समाज पार्टी के बागियों को समाजवादी पार्टी का सहारा मिल रहा है। लेकिन सत्ता की दावेदारी में दोनों पार्टियां इस वक्त आगे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने मान्यवर साहब कांशीराम के परिनिर्वाण दिन के अवसर पर 9 अक्टूबर को लखनऊ में विशाल जनसभा का आयोजन किया है। इस सभा के लिए उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों से 5000 कार्यकर्ताओं को लखनऊ आने के आदेश दिए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती इस दिन अपने राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करने वाली है। बहुजन समाज पार्टी में उच्च पदस्थ सूत्रों की जानकारी के अनुसार बीजेपी के 3 तो समाजवादी पार्टी के 2 वर्तमान विधायक बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने की संभावना है। इनके नाम अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 9 अक्टूबर को या फिर उससे पहले 5 विधायक बसपा ज्वाइन कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो बसपा इस बार 50% युवाओं को टिकट देना चाहती है। सपा बीजेपी से कई विधायक बहुजन समाज पार्टी के संपर्क में है, लेकिन पार्टी सभी को टिकट नहीं देना चाहती। पार्टी ने इस बार कार्यकर्ताओं को अधिक टिकट देने का फैसला किया है। नए चेहरों पर इस बार बहुजन समाज पार्टी दांव लगाना चाहती है, इसलिए कई विधायक बहुजन समाज पार्टी में वेटिंग पोजीशन में हैं, जिनके बारे में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती सोच समझकर फैसला लेगी। बहुजनों की बुलंद आवाज, आवाज इंडिया टीवी, देखिए अपने मोबाइल पर कहीं भी कभी भी। आज ही आपके एंड्रॉइड प्ले स्टोर और एप्पल iOS ऐप स्टोर से आवाज इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड करें और देखिए आवाज इंडिया टीवी के लाइव प्रोग्राम आपके मोबाइल पर। आवाज इंडिया टीवी देखें यूट्यूब पर भी। आप हमारे यूट्यूब पेज youtube.com/awazindiatv पर जाकर हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी की बटन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। देखते रहे आवाज इंडिया टीवी, बहुजनों की बुलंद आवाज।